और इसके अलावा जो इसकी सपोर्टिंग कास्ट है, जो सपोर्टिंग कास्ट बड़ी इस फिल्म की खास लगती है उसमें, क्योंकि आशुतोष राणा है और आशुतोष राणा जैसे अगर आप जानते हो, हमने अभी डिस्कस किया कुछ देर पहले कि वो बहुत ही खास फिल्मों पहले आ चुके हैं, यानी संघर्ष, इसके अलावा दुश्मन और राज भी थी कि अगर आपको याद हो रहा है, जो बिल्कुल इसमें विपाशा बासुली से लड़ रही होती है वो ये था। तो ये बड़े खास यू नो मेथड एक्टर या कैरेक्टर आर्टिस्ट कह सकते हैं इसको, जो जो बहुत कम आए फिल्मों में, ज़्यादा नहीं आया, हालांकि 20-22 साल से कर रहा है, तो इसको मैं देखना चाहता हूँ। लेकिन अब पता नहीं है कि किसका कितना बड़ा रोल होगा और किसका कितना अहम होगा। Exactly. लेकिन ट्रेलर से ये पता चल रहा है कि ऋतिक का बहुत अहम रोल है। अच्छा, मुझे ट्रेलर से देखा तो इतना बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया, वो धूम और ना फास्ट एंड फ्यूरियस उसकी टाइप में फीलिंग्स आ रही थी, ठीक है, बट मे बी ट्रेलर में कुछ हमें क्लूज कुछ पता चले एग्जैक्टली स्टोरी में हो क्या रहा है। अच्छा, डायरेक्टर बाय सिद्धार्थ आनंद, वाओ, सो यू मींस जैसे तारम पम और ये सब दूसरी सुपर हिट मूवीज गई है, और सबसे बेस्ट पार्ट इज दिस कि यश राज की फिल्म है, डेफिनेटली इनका लोकेशन और सब कुछ वैसे ही मां से मारा पड़ेगा, ये भी हम देख चुके थे ना, तो उसमें तो कुछ नहीं था, स्टोरी का इतना पता भी नहीं चला था क्या है, सिर्फ झलक हमें दिखाया था जिसको देख के हम इतना एक्साइटेड हो गए थे। तो अब हम ट्रेलर देखने वाले हैं, पता चलेगा कि क्या है इसमें। लोकेशन is going on, Colonel Lutra? Kabir is gone wrong. Ashutosh Rana. Kabir is our best. इससे पहले वो कुछ और करे, क्या कोई तो होगा जो कबीर तक पहुंच सके। ये कितना अच्छा लग रहा है। ज़्यादा कोई नहीं पहचानता। उसका अगला कदम क्या होगा? I understand. आप किसी और तक पहुंचे, उससे पहले मैं आप तक पहुंचू। इसमें इतनी इंटेलिजेंट एडिटिंग की और इतनी आप इसकी सिनेमेटोग्राफी देखो, इतनी जबरदस्त लग रही है कि चीज पे इन्होंने काम किया। वायरएफ की ये खास बात है, कंटेंट इनका कभी कभार मार खा जाता है, लेकिन जिस तरह की लोग पिक्चराइजेशन करते हैं, जिस तरह की लोग साउंड एडिटिंग करते हैं, जिस तरह की एडिटिंग, और मतलब हर चीज इनकी जबरदस्त होती है।
लाइटनिंग आप देखो, क्लियरनेस होता है बिल्कुल हर चीज में, परफेक्टनेस नजर आ रही होती है कि बंदा कंप्लीटली अट्रैक्ट हो कि हाँ नहीं देखेंगे भाई हम तो देखेंगे ही. मतलब जो लीड कर रहा है वो ही इतने पावरफुल हैं जिसके बारे में, मतलब दोनों ही इतने सुपर डुपर डांस में, ठीक है उनके डांस स्टाइल, उनके एक्टिंग, और जितना बोला कि वो मेरा स्टूडेंट था तो मैं क्लिक जाहिर है बात है कि उसको इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है, और वो स्टूडेंट टेंथ अच्छा उन्होंने रियल लाइफ में भी है को अपना गुरु मानते हैं. एग्जैक्टली डेफिनेटली उसी के हिसाब से कास्टिंग कर रहे हो, दोनों एक दूसरे को एडमायर करते हैं. मतलब ऋतिक भी टाइगर की मेहनत को, टाइगर के जो मार्शल आर्ट्स और जो एथलेटिक स्किल्स को एडमायर करते हैं, और वो कहते हैं कि भाई फ्यूचर में हो सकता है ये मेरी जगह आ जाए, जो मेरी जो मतलब जो रही है, जो मेरा अब तक का जो यू नो फिल्म इंडस्ट्री में जो मेरा मकाम रहा है, वो हो सकता है आगे जाके टाइगर का हो सकता है. टाइगर के अंदर वो चीज है. एग्जैक्टली, और उसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब उसके लुक्स इतने प्रीटी आ रहे, अच्छे लग रहा है, लुकिंग नाइस. एंड अबाउट वाणी कपूर, वो ज्यादा बहुत क्यूट लग रहा है. अब वो जो गानों से मालूम पड़ेगा एग्जैक्टली वो किसके साथ है, वो ठीक है. गाना इंटरेस्टिंग पार्ट इज दिस, वाणी कपूर बेफिक्र में मुझे बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी लगी है. रणवीर सिंह के साथ रणवीर सिंह बहुत ज्यादा क्यूट लगी थी वो मुझे, उसके लुक्स बहुत अच्छे है. वाणी कपूर इस बार मुझे थोड़े बहुत अगर उसके कट्स देखो तो बहुत अच्छी लगी. एग्जैक्टली जो गाना आएगा तो पता चलेगा क्या है. पर लेट्स सी कि दोनों में से कौन है जो, मतलब पर ये बात क्लियर थी दोनों के बीच में ऐसी चीज है जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है. मैंने बोल यहाँ था ना कि आपने मुझे धोखा देना नहीं बताया, ठीक है, दैट मींस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, या तो मे बी ऋतिक कुछ अच्छे काम के लिए कुछ कर रहा है और उसका बीए अलग हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है. ढूंढ रहे कबीर को और खालिद देखते ढूंढता है कि नहीं खालिद नहीं यार कबीर, देखने के बाद ही पता चलेगा क्या स्टोरी में था क्या. इसलिए ये लोग क्लेम इसलिए बनाते हैं ताकि बंदे ना क्यूरियस हो जाए देखने के भाई बहुत इंटेलिजेंटली बना है, तब रिवील हो ही नहीं पा रही स्टोरी, पता ही नहीं चल रहा सारा स्टोरी. अगर ट्रेलर में शेयर कर देंगे तो देखेगा ही नहीं कोई बैकग्राउंड. So, I hope guys you like our reactions and हमें बस जरूर बताना कि आपका फेवरेट कौन है, जितने क्या था क्या नहीं है, मेरे पास दोनों exactly. So guys please हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन है, अगर आप फ्यूचर में इसी तरह के और ट्रेलर्स देखना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ देखना चाहते हैं तो प्लीज मेंशन कीजिएगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.